हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। मैं हूँ निशा चौहान। सुबह की राम राम, जय श्री राम। और सुबह का नाश्ता बनाना मैंने शुरू कर दिया है। आज नाश्ते में क्या बन रहा है आपको मैं किचन में ले चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं आज नाश्ते में क्या बना रही हूँ। ये देखिए जी, शुरुआत मैंने पहले ही कर दी थी, काफ़ी देर से उठी हुई हूँ मैं। नाश्ते में मैं बना रही हूँ चिल्ले, बेसन के चिल्ले, ये रहा जी घोल। और बेसन के चिल्ले में देसी घी में बना रही हूँ। बेटी स्कूल जाएगी तो लंच में उसे चिल्ले ही बना के देंगी। तो जी चलिए बना लेते हैं चिल्ले। ये देखिए जी, हमारा पहला चिल्ला बन गया है। नीचे का नाश्ता मैंने भेज दिया जी। और ये रहा मेरा नाश्ता, चाय चिल्ला। आ जाओ जी, आप भी सुबह का नाश्ता हमारे साथ कर लो। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, अंदर इसी में बैठ कर नाश्ता करना है जी। और अब तो दोपहर में खाना होना भी इसी में बैठ कर खाना है। और इसकी बेड शीट मेरे को रोज़ चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि खाना खाते हैं बच्चे हैं तो गंदी कर देते हैं। कल भी मैंने चेंज करी थी और आज भी मुझे चेंज करनी है। इन्होंने आम खाए थे बैठ के और जी उस पर दाग लगा दिए हैं, तो इसे भी चेंज करूँगी। तो जी चलिए नाश्ता कर लेते हैं। जब तक चाय नाश्ता कर लिया है जी, और अब करना है घर का काम। किचन सारी फैली हुई है, सबसे पहले मैं किचन साफ करूँगी। और आज मुझे अपने सर में मेहंदी भी लगानी है। तो जी मेहंदी भी मैंने बिल्कुल रख रखी है। ये देखिए जी, ये लोहे की कढ़ाई है छोटी सी, मैं इसे में भिगोती हूँ। और इसमें ये आंवला और पुदीना, ये भी मिलाती हूँ, एक कप चम्मच मिलाती हूँ। और ये वाली मेहंदी लगाती हूँ मैं नया। तो जी अब रसोई सुंगा लेते हैं। रसोई देखिए जी फैली पड़ गई बिल्कुल। इसने बनाना शेक बनाया है, लस्सी का ने बनाना शेक पिया है, उसने पी लिया है, लक्की का बचा हुआ है। अभी मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, अभी वो उठा नहीं है। लक्की लक्की उठ जा बेटा, उठ जा। ये बेड सीट वगैरह वो हो जाएगी, बस सही हो जाएगी, खड़ा हो जा। कॉपी किसकी आई हो? चाय नाश्ता करने के बाद जी पूरी किचन क्लीन कर दी है और दूध भी गर्म कर दिया है। और इधर बाहर वाले बेड की भी बेड शीट चेंज कर दी है। सोच सकती नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे गंदी लगी, मैंने चेंज कर दी। और इधर वाले कमरे की भी बेड शीट चेंज कर दी है। ये देखिए जी, खाना एसी में ही खाते हैं ना बैठ के, तो गंदी हो जाती है। कल चेंज कर दी मैंने, वो गंदी हो गई, फिर मैंने आज फिर चेंज कर दी। और इधर की भी, इधर अभी कमरा सुनाया नहीं है, लक्की सो रहा है। इधर भी सुनाई खेती चल रही है। और मुझे लगवानी है बालों में मेहंदी, तो जी मैं बड़ी दीदी से मेहंदी लगवाने जा रही हूँ ऊपर। मेहंदी भी लगा ली है जी, और मैंने झाड़ू भी लगा दी है, झाड़ू लगा दी है। और अब झाड़ू लगाने के बाद मैं दाल छोकूंगी, मसूर की दाल बनानी है मुझे। और आटा भी बना के रख दूंगी, फिर वो चल लगाऊंगी। घर का सारा काम हो गया है और मैंने मेहंदी लगा रखी थी, तो पसीनों में बेहाल हो रखा था मेरा। तो जी मैं पहले नाई, सबसे पहले सिर धोया और नाई, फिर दुकान बढ़ा के ये भी आ गए थे, तो इन्हें खाना बना के दिया। ये लोग वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ, वो बैठ के भी खाना खा रहे हैं दोनों बाप बेटी। और बहुत पसीने आ रहे थे मुझे किचन में, एकदम मैं बहुत जल्दी आई निकल के। ये देखिए जी, अभी किचन ऐसी ही है, पहले मैं थोड़ी देर बैठूंगी, पानी पीऊँगी और खाना खाऊंगी, तब किचन साफ करूंगी। खाना जी हो गया है और इधर से मैंने किचन साफ कर दी है। अब बर्तन बचे हैं, बर्तन साफ करने हैं मुझे। तो जी चलिए बर्तन साफ कर लेते हैं। पहले बर्तन भी साफ कर दिए हैं और पूरी किचन क्लीन है एकदम। और जी चाहे कितनी जल्दी उठ लो, चाहे कितनी लेट उठ लो, लेकिन दो ढाई
और 3 तो बजने ही है काम निपटाने में। इतना खाना पीना नहीं होता है ना, इतना ये समझो काम ख़त्म नहीं होता है दोपहर का, और 2 घंटे बाद फिर शाम का फिर काम शुरू हो जाता है। फिर शाम की चाय नाश्ता और जी शाम का खाना यूँ ही लगा रहता है। तो जी अब तो काम ख़त्म कर दिया है, थोड़ा सा आराम करेंगे। मैं जी 6 बजे से दुकान पे थी और अब आई हूँ मैं दुकान पे। क्या बनाया भाई तुमने? मैगी। ये बच्चे लगे हुए हैं कुछ अजीब सी होनी आज मैगी। इन्होंने बनाई है मैगी, ये देखिए जी, ये रही मैगी। कितने पैकेट लेकर आए थे? 5-4। तुमने तो कुछ मसाले से वाली मैगी बनाई है भाई। 10 का सब उठ रहे थे भी। ये देखिए जी, अब तुमने बड़ी कढ़ाई में क्यों ना बनाई, छोटी में क्यों बनाई है? जब बनी थी उसमें। और जी अब मैं बनाऊंगी रोटी, दाल तो रखी हुई है, मुझे सेकनी है रोटी। और मैं आपको बताऊंगी मैं किस लिए दुकान पे बैठी थी 6 बजे से। खाना खा लिया है जी और अब मुझे करनी है किचन साफ। पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ। किचन पूरी क्लीन कर दी है जी, ये देखिए। मैं रात में ही किचन क्लीन करके सोती हूँ। और जी आपको मैं कुछ दिखाती हूँ किस कारण से मैं दुकान पे थी 6 बजे से और 11 बजे तक। इधर अंधेरा हो रहा है, ये देखिए जी। आसी बेटा, ये कपड़े नहीं उठा कर रखे तूने अपनी ड्रेस? पसीने सुखाने के लिए करा तो अब हो रहे हैं, ये उठा कर तो कल देख लूंगी, इन्हें वो कर दूंगी, पानी में को निकाल दूंगी क्योंकि कल छुट्टी है ना। हाँ आसी, आसी कल छुट्टी है ना तेरी? हाँ। अच्छा मिसेस दीक्षा, चल उन्हें उठा कर रख दियो। लाइए दिखाइयो, मैं दिखाती हूँ जो तेरे पापा लेकर आए हैं। मैं 6 बजे से जिस कारण दुकान पे बैठी थी आपको मैं बताती हूँ। ये पापा बेटे शॉपिंग करके आए थे और शॉपिंग में लेके आई हैं ये अपने कपड़े। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ, एक टी शर्ट ये है जी, प्लेन है, और ये चीज़ बाजू पे भी है, एक टी शर्ट ये है, एक टी शर्ट ये है जी, ये सेम सारी ऐसी ही है। एक ये टी शर्ट है, ये और एक ये टी शर्ट है, ये भी बिल्कुल प्लेन ही है, कलर ये है इसका, ग्रे सा कलर है, अच्छी लग रही है। और एक ये लोअर, काफी अच्छा है, सॉफ्ट सा है एकदम। और जी एक ये ब्लू कलर है, एक पहले लेके आए थे ये ब्लू कलर और एक ये अब लेके आए हैं, सेम ऐसा ही है, ब्लू है ये पूरा ब्लू प्लेन। और जी ये है एक जीन्स, ये बेटे की जीन्स है, काफी अच्छी है लेकिन महंगी भी पूरी है जी। इतने में ये एक पैंट आई है, इतने में मैं 3 जीन्स ले आती इसकी। ये जीन्स ही है, सॉफ्ट वाली जीन्स है, जितना मैं ये एक जींस आई है इतना मैं इसके 3 जींस लेके आती जी। और कोई नहीं जी, और दिलवा दूंगी, इसके कपड़े हैं ना टाइट हो रहे हैं तो इसलिए इसे शॉपिंग करानी पड़ रही है, और छोटे भी हो रहे हैं, इसकी हाइट निकल रही है तो इसके कपड़े भी छोटे हो रहे हैं।
ये थी जी छोटी सी सोपी एक, और एक जींस है और एक ये लोअर है और टी शर्ट एक और दो तीन चार और जी ये एक पांच पांच टी शर्ट है। ये भी अच्छी लग रही है टी शर्ट। ये देखो जी खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, ये अच्छी लग रही है टी शर्ट भी। इसीलिए मैं दुकान पे बैठी हुई थी 6 बजे से 11 बजे तक। और जी अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि।